नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। यूपी के उपचुनाव के नतीजे कल घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है। दरअसल यूपी उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पास 314 शिकायतें पहुंची थी, जिन्हें फर्जी वोटिंग और धांधली के आरोप लगाए गए हैं। सपा नेता एसटी हसन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को वोटर आईडी चेक करने, डराने, धमकाने या लाठी चलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। सपा ने मीरापुर क्षेत्र के 52 बूथों पर पुनर्मतदान कराने की अपील की है। साथ ही ककरौली पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को तुरंत गिरफ्तार करने और उनकी सेवाएं समाप्त करने की मांग की है। सपा नेताओं ने पुलिस पर मुस्लिम इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सपा का दावा है कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी की हार तय थी, लेकिन जब तक ईवीएम का खेल चलेगा बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने चुनाव में धांधली की है। उनका कहना था कि बीजेपी ने अधिकारियों और पुलिस पर दबाव डाला और चुनाव की निष्पक्षता को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी को जनता उखाड़ फेंकती। उपचुनाव के दौरान मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से हंगामे और तनाव की खबरें आई। मीरापुर में भारी भीड़ के कारण पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। मुरादाबाद में पुलिस की बैरिकेडिंग के खिलाफ विरोध हुआ, जो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। वहीं सीसामऊ सीट पर 45% मुस्लिम मतदाता हैं और यहां मुस्लिम वोटरों को मतदान से रोकने का आरोप लगाया जा रहा है। सपा के इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी पत्नी ने टिकट लिया। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। कुंदरकी सीट पर भी आरोप लगे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई है। वहीं एग्जिट पोल ने सपा की मुश्किल और भी बढ़ा दी है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि सपा को नुकसान हो रहा है। ये सपा के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर सपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने सत्ता के इशारे पर काम करते हुए कल 9 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर लोगों को वोटिंग नहीं करने दी, इसलिए नतीजे जो कल आएंगे वो सही नहीं आएंगे। फिलहाल कल नतीजों के बाद पता चलेगा सपा क्या अगला कदम उठाती है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।